आरएसएस की जो हिपोक्रेसी है, पाखंड है इस देश के दलितों आदिवासियों के प्रति, वो सब हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा लगाते हैं, लेकिन वो केवल तब के लिए है जो मुसलमान से लड़ना हो, ईसाई से लड़ना हो, बाकी समय में फिर से वही जो है कोई चमार हो जाता है, कोई भंगी हो जाता है, कोई कुछ और हो जाता है, कोई धर्म की परिभाषा ही उनकी गलत है। भाई आप कह रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हम पूरे राष्ट्र के हैं, तो उस राष्ट्र में 20 करोड़ मुसलमान भी तो रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, फारसी भी रहते हैं, और भी समुदायों के लोग रहते हैं, वो आपके राष्ट्र में शामिल नहीं है। तो आपका राष्ट्र दरअसल हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू के नाम पे भी एक धोखा है, दरअसल ये ब्राह्मण राष्ट्र। सत्कारजोग दोस्तों, क्या हाल है? आज मेरे साथ हैं बबर मेघवंशी, जिनकी एक किताब है मैं एक कार सेवक था। इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये आरएसएस में एक कार सेवक थे, और इन्होंने उनके बारे में देखा और पूरे समाज को समझकर ये किताब लिखी। हम इनसे बात करेंगे इन्हीं की किताब से, ये इनकी किताब है। तो नमस्कार साथी जी। नमस्कार जी। तो आप ये बताइए कि आपको आप जब आरएसएस में काम कर रहे थे, कार सेवक थे आप, तो आपको क्या जरूरत पड़ती कि आप ये किताब लिखें? मैं आरएसएस में स्वयंसेवक था जी, और तकरीबन 5 साल तक मैंने उनके साथ काम किया जी। फिर जो पहली अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए कार सेवा हुई जी 1990 में, उसमें मैं शरीक हुआ, टुंडला में गिरफ्तार हुआ, 10 दिन आगरा की जेल में रहा, और फिर इसके बाद वापस हम लौटे। हालांकि मैं अयोध्या पहुंच नहीं पाया, बाबरी मस्जिद तोड़ने में मेरा कोई राहत नहीं रहा, लेकिन उसके बाद का जो घटनाक्रम हुआ, उस बाद के घटनाक्रम में आरएसएस की जो हिपोक्रेसी है, पाखंड है इस देश के दलितों आदिवासियों के प्रति, वो सब हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा लगाते हैं, लेकिन वो केवल तब के लिए है जो मुसलमान से लड़ना हो, ईसाई से लड़ना, बाकी समय में फिर से वही जो है कोई चमार हो जाता है, कोई भंगी हो जाता है, कोई कुछ और हो जाता है, कोई धानुक हो जाता है। आपके साथ कोई ऐसा पर्सनल हुआ? मैं तो प्रचारक बनना चाहता था, और मैं तो फुल टाइमर बनना चाहता था, लेकिन जब मैंने खुद के साथ भेदभाव महसूस किया जाति के आधार पर, और जिसका मैंने इस किताब में तफसील से जिक्र किया है कि किस तरीके से उन्होंने मेरे जैसे स्वयंसेवक और कार सेवक को, समर्पित व्यक्ति को, के साथ अनटचेबिलिटी किया, छुआछूत किया, भेदभाव किया, तो उस बात को इस किताब में लिखा गया। तो उनके में शामिल होना, उनके साथ रहना, और उनसे बाहर आने की जो पूरी घटना है, उस यात्रा को, उस सफर को मैंने इस किताब में लिखा। तो ये किताब सिर्फ हिंदी में है कि और भी वर्जन है इसके? जल्दी ही अभी अंग्रेजी में ये किताब आएगी जी, जनवरी में अंग्रेजी में आ रही है ये किताब, नवयाना पब्लिकेशन इसको छाप रहा है, हिंदी में ये नवारुण प्रकाशन से आई जी। ठीक है, और बाद में बाकी भाषाओं में अनुवाद भी इसके होंगे जी। तो आप ठीक है, आपने आरएसएस को देखा, उनको अंदर से देखा, आपको उनमें जो थी उनकी कमियां थी, या वो जैसे जातिवादी भेदभाव करते हैं, पर जो वो कहते हैं कि हम देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, लोगों का जो मानसिक स्तर है, उनकी जो संस्कृति है, उसको ऊपर उठाने के लिए कर रहे हैं, भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए कर रहे हैं, क्या ये सच है कि सिर्फ प्रोपेगेंडा है एक राजनीतिक? पहली बात तो देश की परिभाषा ही उनकी गलत है। भाई आप कह रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हम पूरे राष्ट्र के हैं, तो उस राष्ट्र में 20 करोड़ मुसलमान भी तो रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, फारसी भी रहते हैं, और भी समुदायों के लोग रहते हैं, वो आपके राष्ट्र में शामिल नहीं है। तो आपका राष्ट्र दरअसल हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू के नाम पे भी एक धोखा है, दरअसल ये ब्राह्मण राष्ट्र। तो आप केवल कुछ कम्युनिटी जो ऊपर की समुदाय है जाति व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में, उनका वर्चस्व, उनकी हेजेमनी स्थापित करना चाहते हैं। आपका कोई राष्ट्र, राष्ट्र का कोई समझ नहीं है, कोई राष्ट्र का विकास नहीं करना चाहते। मैं तो कहता हूँ राष्ट्र का विनाश करने पे तुले हुए हैं। जब
लोगों को लड़ा रहे हैं, राष्ट्र के नागरिकों को लड़ा रहे हैं, नागरिक अधिकार छीन रहे हैं, इस देश के तिरंगे के पक्ष में नहीं है, संविधान के खिलाफ है, वो लोग क्या कहेंगे कि हम राष्ट्र का विकास करना चाहते हैं? तो जो जो ये मॉब लिंचिंग हो रही है तो आप इसको कैसे लेते हैं? ये आम लोग ऐसे कर लेते हैं कि एक प्लान है इसके पीछे, एक तंत्र काम कर रहा है? देखिए खासतौर पर दलितों की और मुसलमानों की, आप अगर वैदिक साहित्य पढ़ेंगे आपको वैदिक साहित्य में, जिस पर बड़ा गर्व करते हैं, मॉब लिंचिंग के कई केसेस मिलेंगे जी, जहां पर घेर करके शूद्रों को इंद्र ने, आर्यों ने मारा है। तो जो ये कहते हैं कि मॉब लिंचिंग हमारी परंपरा नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं कि मॉब लिंचिंग ही उनकी परंपरा है जी, और उनकी जो आदिम घृणा है हमारे प्रति, हमारे प्रति जो उनका सदियों से नफरत है, वही अब भी आ रहा है। तो आज भी वो दलितों को घेर के मारते हैं, पूरा पूरा गांव इकट्ठा होता है, बस्तियां जला दी जाती है और मार डाले जाते हैं। और गाय जैसे जानवर के लिए, एक जानवर के लिए मुस्लिम लोगों को मारा जा रहा है, इंसानों को मारा जा रहा है, ये कैसा देश बनाया आपने कि पशु के लिए आप इंसान मार रहे हैं और शर्म नहीं आती? तो मॉब लिंचिंग जैसी जो घटनाएं हैं निंदनीय है हमारे देश के लिए, राष्ट्रीय शर्म का विषय। तो नहीं, वैसे जैसे आप पहले भी हम बात कर रहे थे कि गाय को वो माँ मानते हैं, उनकी श्रद्धा है, और उसके लिए वो बड़े बड़े आश्रम, क्या वो बोलते हैं, चलाते हैं गौशालाएं जी। तो उसको आप कैसे लेते हो, आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस इसके बारे में? गौशाला तो धंधा है, जो हिंदू गाय को माँ मानता है वो अपने अपने घर पे एक एक दो दो गाय क्यों नहीं पाल लेता? फिर गौशाला खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जब तक गाय दूध देती है उसको घर में रखते हैं, दूध निकालने के बाद उसको आवारा छोड़ देते हैं। और मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अलग तरह का है। देखिए, मैं एक किसान हूँ, गांव से आता हूँ, मेरे घर में गायें हैं, दो गाय भी है, भैंस भी है, बैल बकरी सब है। हमारे यहाँ गाय पशु नहीं है, गाय का एक नाम है, हमारी फैमिली की मेंबर है। हम उसकी पूजा नहीं करते हैं, आरती नहीं उतारते हैं, उसका मंदिर नहीं बनाते हैं, उसको माता नहीं मानते हैं। उसको टाइम पे चारा देते हैं, पानी देते हैं, नहलाते हैं, छाया में रखते हैं, सर्दी है तो उसके लिए कपड़े का इंतजाम करते हैं, जिसकी उसको जरूरत है। आप गौशाला बना के उसमें बड़ा सा मंदिर बना करके और गाय की आरती उतार रहे हैं, अच्छा सा मंदिर बनाने से और गाय की आरती उतारने से गाय को क्या फर्क पड़ेगा, मुझे बताइए? लेकिन गाय शुद्ध राजनीति है। हिंदी के एक बहुत बड़े व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने लिखा कि पूरी दुनिया में गाय दूध देने के काम आती है, लेकिन भारत में गाय वोट देने के काम आती है। वोट, तो ये राजनीति है जी। गाय के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। मैं ऐसे कथित गो भक्तों को मैंने अपनी आंखों से देखा है, और आप भी देख सकते हैं, किसी शहर में जाइएगा जहां पर उनकी दुकान के काउंटर पे एक संगमरमर की गाय रखी हुई मिलेगी आपको। सच्ची घटना बता रहे हो आप? मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ, और आप ऐसा कई जगहों पे देख सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये केवल मेरे यहाँ की बात है, आप खुद भी शहरों में चले जाइए और वहां देखेंगे आप कि संगमरमर की गाय रखी हुई है और पास में गौशाला को दान देने का चंदा बॉक्स रखा हुआ है, और उसी समय अगर असली गाय आ गई तो ये जो लाला है ये लठ लेकर के गाय को मारता है, नकली गाय को पूजता है, असली गाय को मारता है जी। तो कहे कि गौ माता और क्या मतलब गाय, आपका कहने का मतलब है कि ये सीधी सीधी एक पॉलिटिक्स है, सीधी साफ नजर आती है ना। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और कि आप अयोध्या में गए तो आपकी इच्छा थी कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाए, चलो आपकी किस्मत अच्छी थी, मैं कहता हूँ कि आप पहुँच नहीं पाए, नहीं तो आपके हाथों से ये पाप हो जाता। पर ये अब बताइए आप, जब मंदिर बन जाएगा वो बना लेंगे, तो इसका जो पूरी हिंदू कम्युनिटी है, तो दलित कम्युनिटी भी ले लीजिए उसमें, क्योंकि जब लड़ाना होता है तो वो हिंदू होते हैं, क्या उनका कुछ भला हो जाएगा इससे? मंदिरों से किसका भला हुआ अब तक? एक मंदिर और बना देंगे आप, इस देश में करोड़ों मंदिर है। मैं तो महात्मा ज्योतिबा फूले की उस बात को मानता हूँ जहाँ उन्होंने ये कहा कि मंदिरों की घंटियों से नहीं, पाठशाला की घंटियों से हमारा भला होने वाला है। देखिए, अयोध्या में 250 करोड़ का मंदिर बना दें, कुछ और कर दें, 2500 करोड़ का बना दें, उससे खाली पेट जो इस देश के लोगों का है वो नहीं भरने वाला है।
न ही लोगों को कोई इलाज मिलने वाला है, न अच्छी शिक्षा मिलने वाली है। आपका मंदिर वगैरह का जो मामला है वो आपका अपना मामला है, आप बना लें अपने घर में, उसके लिए क्यों आप जबरदस्ती करके और इतना बड़ा एक गंगा आपने खड़ा कर रखा है। और ये अच्छा हुआ है कि मैं तो देखी पहली बार तो गया जब मेरी नासमझी थी, लेकिन दूसरी बार मैं नहीं पहुंचा वहां जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, और मैं उसके बिल्कुल आज खिलाफ में हूँ। मुझे नहीं लगता है कि मंदिर बनाने से इस देश का कोई भला होगा। और जब हमारे देश में जितने भी इंटेलेक्चुअल हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उनका बहुत बड़ा हिस्सा ये कह रहा है कि देश में फासिज्म आ गया है और पूरा विराट रूप अपना धार रहा है ना, तो क्या आप ये जो आरएसएस की और बीजेपी की पॉलिसी है जो अब धर्म को नाम लेकर ये घेराबंदी बना रही है, क्या आप इसको अपने नज़रिए से फासिज्म मानते हो? अगर मानते हो तो कैसे? देखिए, फासिज्म एक विदेशी अवधारणा है जी। भारत जैसे ब्राह्मणवादी मनुवादी देश में फासिज्म की क्या जरूरत? वो फासिज्म का बाप यहाँ पहले से मौजूद है, जहाँ लोगों के साथ आप अपने ही कम्युनिटी, अपने ही धर्म, अपने ही देवी देवता को मानने वाले, अपने ही गांव में रहने वाले व्यक्ति के साथ, अपनी जैसी चमड़ी के व्यक्ति के साथ इतना भेदभाव करते हैं, उसको छूते नहीं, उसकी छाया नहीं पड़ने देते हैं, उनकी बहु बेटियों की अस्मत लूट लेते हैं, उनके घर जला देते हैं, और उनको सब तरह की चीजों से वंचित करके आपने गुलाम की तरह रखा हुआ है। ये जो मनुवाद है, ये जो ब्राह्मणवाद है, ये फांसीवाद से बहुत ज्यादा घृणित व्यवस्था है। तो वो तो इस देश में पहले से ही है। तो वही अपना रूप राष्ट्रवाद के नाम पर, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर फिर से आ गई है। मेरा ये मानना है कि ये देश सदियों से फांसीवादी देश है, ये कभी सहिष्णु देश नहीं रहा। यहाँ की संस्कृति में, उसके डीएनए में इनटॉलरेंस है, असहिष्णुता है, और वो हम महसूस करते हैं, इस देश के दलित महसूस करते हैं, इस देश के मुसलमान महसूस करते हैं, इस देश की महिलाएं महसूस करती है, अल्पसंख्यक अन्य तबके महसूस करते हैं। तो चलो, आपने बहुत अपना कीमती समय दिया। मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ कि हमने जो बातें की, इसका अल्टीमेटिव क्या है, इसका बदल क्या है, क्या आप किस रूप में इसका बदल लेते हैं? देखिए, हजारों साल का इस देश का इतिहास देखते हैं तो एक अल्टरनेटिव धारा सदैव मौजूद रही। आप लोकायत, चार्वाक, आजीवक, बुद्ध, कबीर, रविदास, गुरु नानक, अंबेडकर, परियार, फुले, मान्यवर कांसीराम, सदैव एक वैकल्पिक धारा ने काम किया। जब जाति की जकड़न हुई तो गुरुओं ने एक नया पंथ शुरू किया। जब वर्ण व्यवस्था भयानक रूप में थी तो महावीर और बुद्ध ने उस वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। चार्वाक ने वेदों के खिलाफ में खड़े होकर के सत्ता से नकार दिया। पेरियार ने ब्राह्मणवाद को लतियाया। फूले ने गुलामगिरी जैसी किताब लिखी। अंबेडकर ने जाति का विनाश की बात कही। तो मेरा ये मानना है कि इस देश में अल्टरनेटिव धारा सदैव रही है। जो ब्राह्मणी धारा है उसके अपोजिट में श्रमण की एक धारा रही है, लोक की एक धारा रही है, आम जन की एक धारा रही है, ये जो सगुण के खिलाफ निर्गुण की जो धारा रही है, वो धारा सदैव रही जो जाति के खिलाफ बात करती रही, जो इंसान और इंसान की बराबरी की बात करती रही, जो छुआछूत के खिलाफ रही, जो वेदों के खिलाफ रही, ईश्वर के भी खिलाफ रही। तो वो जो धारा है, वो धारा सदैव थी। उसी धारा को वो जो वृक्ष सूख गया है श्रमण की संस्कृति का, आपको उसकी जड़ों में फिर से पानी देना होगा। पानी पानी के साथ साथ खून डालना पड़ेगा। हाँ, वो खून, पसीना, पानी सब सब डालना पड़ेगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। मैं अपनी आपकी किताब एक बार फिर कैमरे के सामने करता हूँ। बाबर बेगवंशी की किताब है, मैं एक कार सेवक था। तो आप ये किताब खरीदिए और पढ़िए। इसके बारे में आपके क्या विचार है, हमारे यूट्यूब चैनल में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद जी। थैंक यू वेरी मच। आप कुछ मेरे दर्शकों को बोलना चाहते हैं तो बोलिए। आप ये लीजिए, इंकलाबी चेतना के जितने भी दर्शक हैं, आप सबको सलाम, जिंदाबाद, जय भीम।
मुझे बहुत अच्छा लगा संदीप भाई ने जो ये काम शुरू किया है। मेरा ये मानना है कि इसकी बहुत ज़रूरत है, आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और लोगों को भी बताइए, क्योंकि ये जो दौर है इसमें इंकलाबी चेतना की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि चेतना आएगी तभी इंकलाब आएगा। तो इंकलाब और जो चेतना है वो दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, तो हमें मिलजुल करके काम करना होगा। जिस भी मोर्चे पे जो भी काम हम करते हैं, हमको मिल करके बदलाव के लिए काम करना है। इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।